शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि आदमी को खुद का नाम, अपने गुरु का नाम और किसी कंजूस आदमी का नाम और साथ में पति को पत्नी का और पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, उससे उनकी आयुष्य घटती है, ऐसा मानते हैं। I am not here to sell something. Yes. I am here to contribute, distribute, and demonstrate what philosophy I am living. Social media पे काफी information मिली होगी आपको. You must be more into social media, right? So social media पे अभी काफी trend पे है उर्फी जावेद. So आप क्या जानते हैं उर्फी जावेद के बारे में कुछ? उनसे नग्नता को, अश्लीलता को वो बढ़ावा दे रही हैं या एक्स वाई जेड उनके स्वरूप पे सूट नहीं कर रहा है, ऐसा कि हमारे भारत में एक नारी मतलब बहुत संस्कारी, सो व्हाट डू यू थिंक हिंदुइज्म को कोई एक गुड प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस द लव फॉर रिलीजन, वो एक प्लेटफॉर्म क्यों नहीं मिल पा रहा है, इसमें कौन इन्वॉल्व है? लाइक डू यू थिंक पॉलिटिक्स इज इंक्लूडेड इनटू दिस? और मुझे इंग्लिश के प्रति कोई खास श्रद्धा नहीं है, और इंग्लिश के प्रति श्रद्धा नहीं होने का कारण है कि आप इंग्लिश में किसी को सम्मान नहीं दे सकते। जैसे मैं एक दृष्टांत देना चाहूंगा, एग्जाम्पल बताना चाहूंगा कि आप हिंदी में अगर किसी को कहेंगे आप, तुम या तू, तो आप समझ जाएंगे आपका रिलेशन उसके साथ कैसा है। इफ यू आर फ्रेंड टू फ्रेंड, आप कहोगे तू। अगर आप किसी को जानते हो लेकिन कोई खास इसके साथ संबंध नहीं है, तो आप तुम कह के भी संबोधन करोगे। अपने से छोटों को भी, अपने से बड़ों को भी आप तुम कह सकते हो, लेकिन आप जब किसी के प्रति आदर व्यक्त करेंगे तो आप उसको आप कहेंगे। हाँ, तो उसलिए सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है कि आप, तुम और तू, लेकिन इंग्लिश में एवरीबडी इज यू। तो उसके कारण आप किसी को आदर दे रहे हैं या वो आपके लिए सम्माननीय व्यक्ति है, ये आप इंग्लिश में स्पष्ट नहीं कर पा रहे। मैं ये जानना चाहूंगी कि गौ हत्या के बारे में आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है? आजकल मूवीज आ रही है काफी, मूवीज है, वेब सीरीज है, अमेज़न पे है या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे है। सो जैसे कामा सूत्र है और काफी सारी मूवीज है जिसमें एक रिलीजन के नाम पे न्यू कंटेंट, न्यू वेरिएशन, न्यू थीम्स, जो कि काफी डिफरेंट है। अगर हम वही चीज, वही स्टोरी दूसरी मूवी या दूसरी वेब सीरीज में देखें, वो काफी डिफरेंट है। स्टोरी सेम, कैरेक्टर्स आर सेम, बट द स्टोरी इज चेंजिंग इन एवरी थीम, एवरीथिंग इज चेंजिंग। उसके बारे में आपका क्या कहना है? Where do we believe? हम कहाँ पे उसे चेक करें कि कौन सा सही है? What should we follow then? Even relationship तो मेरी मान्यता के हिसाब से आसुर विधि है, ये मानवों की संस्कृति का अंग तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है सबसे अच्छा दृष्टांत लिव इन रिलेशनशिप का जानवरों का है। जानवरों की कोई विवाह नहीं कराता, जानवरों की कोई ऑथेंटिकेट नहीं करता उनके मैरिज को, फिर भी बेचारे एक दूसरे के साथ रहते रहते जैसे बच्चे भी कर लेते हैं, जीवन भी निकाल लेते हैं, वैसे जानवरों की तरह अगर मानवों को रहना हो तो लिव इन रिलेशनशिप एक बेस्ट वे है कि जिसमें आप एकदम एनिमल्स की तरह रह सकते हैं। जी।